हेलो गाइस, मैं हूँ आरपी यादव और आज अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज़ की जो आपकी फॉरेस्ट प्लांट के लिए सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके जो फॉरेस्ट्री आप ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट ट्री आप ग्रो कर रहे हैं, फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन किस फ्रूट क्रॉप हो चाहे वुड क्रॉप हो, तो वो किस क्रॉप को जो है अपन सेलेक्ट करें। तो इसमें अपन बात करेंगे कुछ जो ऑल इंडिया में जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वहाँ पे अपन किस प्रकार के प्लांट्स जो है फॉरेस्ट प्लांट है उनको सिलेक्ट करें। साथ ही अपन बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट प्लांट है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अपन कहीं भी कैसे भी क्लाइमेट में लगा सकते हैं, और इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि उनके यूजफुलनेस की या उनकी यूटिलिटी की। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने लगभग अप्रोक्स 45 जो प्लांट है वो सिलेक्ट किए हैं, और वो इस हिसाब से सिलेक्ट किए हैं कि जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो इन 45 प्लांट का आपको जो है कॉमन नेम और उनका साइंटिफिक नेम और साथ ही इसका जो यूज़ या यूटिलिटी है वो आपको याद करना है। थोड़ा सा जो टॉपिक है वो याद करने वाला है, इसमें कुछ समझ आने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी आपको कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी इसमें इसका यूज़ जो है वो आपको बताएंगे। साथ ही जो इन 45 में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो देखिए, इसमें अगर अपन बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे, तो जो सूटेबल जो ट्रीज हैं, सूटेबल जो उसमें वुड ट्रीज भी है, फ्रूट क्रॉप्स भी है, ठीक है, तो ये एरिया वाइज या ऑल ओवर इंडिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीज है जिसका आपको कॉमन नेम याद करना है, साइंटिफिक नाम याद करना है, और साथ ही उसकी यूटिलिटी है वो आपको याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ट्रीज फॉर फॉरेस्ट। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो है वो है केयर, जिसका नाम है अकेसिया कैटेचू, और इसका यूज़ की बात करें तो इसको फोडर के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए करते हैं, पोल्स के लिए और सोइल कंजर्वेशन। देखिए, तीन चीज़ें आपको याद नहीं करनी है कि आपके फॉरेस्ट जो ग्रो करते हैं वो किसके लिए करते हैं, एक तो प्रोडक्शन के लिए करते हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, और तीसरा है कंजर्वेशन या सोशल यूज़ के लिए करते हैं। तो इसमें यूज़ अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा कि अपन जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं उनका यूज़ किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने लिए यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, फोडर मिल रहा है, यानी कि अपन ने स्टार्टिंग में जब बात की थी तो फॉरेस्ट प्लांट जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोल रहे थे अपन, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में अपन क्या कर रहे थे, अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके साथ साथ आपके फॉरेस्ट प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे थे, और उसके साथ ही आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको अपन क्या कर रहे थे, रख रहे थे। तो इन जो प्लांट्स हैं आपको फोडर मिलेगा, उसका यूज़ किस में करेंगे, अपन जो एनिमल्स हैं उनकी फीडिंग के लिए करेंगे। तो इसी प्रकार जो केयर है वो किसके लिए सूटेबल है, फोडर के लिए। फ्यूल जो है अपन जनरेट कर सकते हैं उससे, और पॉल्स सॉइल कंजर्वेशन तो करता ही है। दूसरा है आपका बबूल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो बबूल है वो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इसका नाम होता है अकेसिया नाइलोटिका। क्या होता है, अकेसिया नाइलोटिका, और इसका यूज़ होता है, फोडर होता है, सॉइल कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो आपके हल वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है, साथ ही बार्क एज ए मेडिसिन, यानी इसकी जो छाल होती है वो किसी कई प्रकार की जो मेडिसिन्स होती है वो बनाने में यूज़ की जाती है। इसी प्रकार बात करें यहाँ पर टैनिन प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल, जो टैनिन निकलता है मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं या टैनिंग जो होता है उसका यूज़ मेडिसिन में एज वेल एज अदर जो वर्क होते हैं उसमें होता है। तीसरा है नीम। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका नीम, और इंडिया के पास जो है नीम पेटेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। पहले जो ये पेटेंट था वो अमेरिका के नाम था, लेकिन अगर अपन बात करें तो नीम जो है इंडिया में काफ़ी मात्रा में डोमिनेंट है, और इसको मार्गोसा ट्री भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सभी पार्ट्स, इसके सभी पार्ट्स, चाहे वो रूट्स हों, चाहे इसकी लीव्स हो, फ्रूट हो, और चाहे इसकी बार्क हो, इसका सभी पार्ट जो है वो यूज़फुल होता है, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में हो, इंसेक्टिसाइड हो, या फिर किसी मेडिसिन में बनाने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। देखिए, टूथब्रश जो है वो बनाई जाती है, और आपको पता हो कि आप जो है टूथब्रश के रूप में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आजकल थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है इंडिया, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो जो आप यूएसए वगैरह में देखेंगे तो इसका काफ़ी जो है वहाँ पे ये पॉपुलर है। टूथब्रश जो है यहाँ के जो आपके जो टूथब्रश है या जो पेस्ट जो आते हैं उससे काफ़ी महंगा वहाँ पे दिखता है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो बार्क है, मैंने बताया कि बार्क हो चाहे वो सीड हो, तो वो सभी कुछ ना कुछ यूज़ की होती है। उसके बाद में है सीसल, जिसको
कठेश्वर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको है बॉम्बेक्स सीलिया सिलिबा और बॉम्बेक्स मेरेबिशिनम, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो है मैथ स्टिक है, पैकिंग केस है, प्ले वुड है जो खेलने का सामान होता है, ठीक है। सोइल कंजर्वेशन रूट यूज एड ए मेडिशन, तो इसमें देखिए सभी जो प्लांट्स आ रहे हैं उसका या तो कोई मेडिसिनल यूज़ है, या कोई अपन इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं, या उसको प्लेवुड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार के आपको यूज़ याद करने हैं। आगे है सीसो, यानी कि सीसम जो होता है, डलवरजिया सीसो, इसका जो है यूज़ है फोडर के रूप में हो रहा है, ठीक है। और टिम्बर है फ्यूल और सोइल कंजर्वेशन। उसके बाद में है रोजवुड, इसका नाम होता है डलवरजिया लेटीफोलिया, डलवरजिया लेटीफोलिया, जिसका यूज होता है फोडर के रूप में, फ्यूल और टिम्बर, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कुछ प्लांट्स हैं जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखे हैं, तो वो आपको जो फाइल है वहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ पे आप इसको याद करना है। और अप्रोक्सीमेटली आपको 30 जो प्लांट्स हैं उनके कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और उसका यूज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है जो आपके साइंटिफिक नेम से आ जाता है, तो आपको कॉमन नेम है वो तो याद रहता है लेकिन साइंटिफिक नेम है वो याद नहीं होता है। तो उस केस में आपको पता होता है कि ये चीज़ नीम के बारे में पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है वो किसी और प्लांट के बारे में, शीशम के बारे में पूछ रहा है, बबूल के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको वो कॉमन नेम याद होता है और वहाँ पे एग्जाम में दिया जाता है आपको साइंटिफिक नेम। अब इसके बाद में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका सागवान या टीक वुड जिसको बोलते हैं, इसका नाम होता है टिक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम होता है? टिक्टोनो ग्रैंडिस। और इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ टिम्बर बोला जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और आपको पता है कि सागवान जो होता है उसकी लकड़ी जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है, तो आपको पूछा जा सकता है कि टिम्बर जो है उसका किंग किसको कहा जाता है? तो सागवान टिक्टोना ग्रैंडिस, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल टिम्बर्स में यूज होता है, फर्नीचर बनाते हैं, फ्यूल है उसका यूज होता है, टेनिन और ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल यूज होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिक्टोना ग्रैंडिस। इसी प्रकार जो है आपका अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन प्लांट है, अर्जुन का जो है उसका यूज होता है इंडस्ट्रियल टिम्बर, स्मॉल पॉल्स, फोर्डर टिम्बर्स और ऑर्नामेंटल, ठीक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन बबूल है जिसका नाम होता है अकेसिया ऑर्निटी फॉर्मिस, तो ये कुछ नाम है वो आपको याद ही करने हैं। इसी प्रकार बील है आपका जिसका एंगल मोरमेलेस है, जिसका यूज होता है टूथब्रश में होता है, फ्रूट्स मेडिसिनल बार्क गम, तो ये कुछ है। इसी प्रकार सीरस है जिसमें है काला सीरस, जिसका नाम होता है अल्बिजिया चाइनेंसिस, अल्बिजिया चाइनेंसिस, और उसका होता है टिम्बर है, फ्यूल है, तो ये सारे वर्क इसके होते हैं। इसी प्रकार आपका सफ़ेद सीरस है, जैक फ्रूट है, ठीक है, तो ये नाम आपको याद करने ही होंगे। इसके बाद में बात करेंगे अपन मैंगो, मैंगो है, इमली है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेमराइंड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? टेमराइंड्स बोलते हैं, टेमराइंडस इंडिका इसका नाम होता है, और इसका यूज होता है फ्रूट जो है, फ्यूल है, मेडिसिनल है, टिम्बर है, लीव्स फ्लावर और फोडर। इसी प्रकार बेर है, ठीक है, जामुन है, ठीक है, ड्रम स्टिक, तो आपको पता है कि ड्रम स्टिक जो होता है वो एक एक्सेप्शन है किसका? वेजिटेबल्स का। जब अपन ने बात की थी फ्रूट और वेजिटेबल्स के डिफरेंस की, तो जो ड्रम स्टिक है वो वेजिटेबल है वैसे तो, लेकिन इसका जो स्टेम होता है उसमें क्या होती है? वुड होती है, और इस वजह से इसको किस में इंक्लूड किया गया है? वुडी प्लांट्स में, ठीक है। इसी प्रकार ये कुछ नए नए नाम भी है, जैसे हार्डगो है जो आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, अशोक है, मुलबेरी है, मॉरस एल्वस, और करंज है, पोगनपोमिया पिन्नाटा, और ये जो फॉरेस्ट प्लांट है ये कुछ जैसे करंज है, जामुन है, तो ये ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए भी यूज ली जाती है, ग्रीन जो लीफ मैन्यूरिंग होती है उसके लिए भी यूज लिए जाते हैं। इनकी जो लीव्स है उनको अपन जो है अलग कर लेते हैं प्लांट से, और उसके बाद में जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ से इसको आपका जो मेन फील्ड है वहाँ पे लाके ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है प्लांट्स जिनके यूज़ है। इसी प्रकार जो है पॉपुलर, इंपॉर्टेंट प्लांट है पॉपुलर, जिसका नाम होता है पॉपुलस डेल्टोइडस होता है, और इसका पल्प जो है वुड में यूज़ होता है, फोडर है, पैकिंग केस है, सोइल कंजर्वेशन, फ्यूल, मैच बॉक्स एंड स्प्लाइनट्स,
ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो है गम है वो ऑयल, टैनिन और सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन पीपल का। तो पीपल का पेड़ आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो देता है पीपल, और उसका नाम क्या होता है, फाइकस बेंगालेंसिस। रिलीजिया, रिलीजोसा, ठीक है। और जो फाइकस बेंगालेंसिस होता है वो होता है बड़, जो होता है आपका बरगद जो होता है उसका होता है फाइकस बेंगालेंसिस। और इसको एवेन्यू ट्री के रूप में यूज़ करते हैं। और जो बॉन्साई वगैरह बनाते हैं, बॉन्साई जो बनाते हैं जिसमें छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको कम हाइट रखी जाती है और उनका स्टेम जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। उसके बाद में है गुलर है, जिसको बोलते हैं उम्बर भी बोलते हैं, फाइकस ग्लोरिनेटा, ठीक है, ग्लोरिनेटा, वो एवेन्यू ट्री है, फोर्डर है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका आपको याद ही करना पड़ेगा, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मेरे को। इसके बाद में है गुलमोहर है, जिसका होता है डिलोनिक्स रिजिया, जिसका यूज़ होता है ऑर्नामेंटल और एवेन्यू ट्रीज। तो ये 45 जो प्लांट्स हैं इनके मोस्टली आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, और इनमें से भी मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है वो ही आपको याद करना है। इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं कि सुटेबल प्लांट्स है आपकी जो एग्रोफोरेस्ट्री के लिए हैं, तो उनमें भी आपके ये यहीं से काम आ जाएगा कि ये कुछ प्लांट्स हैं जो एग्रोफोरेस्ट्री में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अपन जो करेक्टरिस्टिक हैं वो अपन आगे के वीडियो में पढ़ लेंगे कि एग्रोफोरेस्ट्री में अपन जो प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री में अपन क्या क्या करते हैं कि फॉरेस्ट्री प्लांट और जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको साथ साथ ग्रो करते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, ये मोस्टली यही प्लांट्स हैं जो एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए भी सुटेबल है, और इनके करेक्टरिस्टिक जो है अपन आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 45 जो प्लांट्स हैं उनमें से आपको लगभग 30 प्लांट्स जो है उनके नाम, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम जल्द ही याद हो जाएंगे। और इसके लिए आप जो है ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन से, और उसके बाद में इन नाम्स जो है उनको याद कर लेंगे, और ये जो है आपके आगे के लेक्चर जो रहेंगे उनमें काम आएंगे। देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ आएगा फाइकस रिलीजियोसा ना जो है उसका क्या यूज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाम पूछ रहा किसका है, वो पीपल का पूछ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका जो बेर है उसका पूछ लिया जाता है, या जामुन का पूछ लिया जाता है, तो वहाँ उसका कॉमन नेम ना देके उसका साइंटिफिक नेम है वो आपको दे देता है। और जो प्रीपीजी है या जो और अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें कॉमन नेम ना देके उसका साइंटिफिक नेम ही दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर को आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको आगे के जो फर्दर लेक्चर्स हैं उनमें काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।